जिस परिवार में प्रधानमंत्री का जन्म होता है ऐसे परिवार को एक चाय बेचने वाला उनको हजम नहीं हो रहा है। भाइयों बहनों मेरा मंत्र है न खाता हूँ न खाने दूंगा। केले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 28 साल लगे। अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना। 24 जुलाई 2022 के द वीक के अंक में जो कि केरल से छपने वाली मलयालम मरुणमा पब्लिकेशन के द्वारा पत्रिका छपती है माँ काली के बारे में विशेषांक निकाला गया है जिसमें 62 और 63 पन्ने पर माँ काली के बारे में एक लेख है। लेकिन उसमें अत्यंत आपत्तिजनक बात यह है कि उस लेख के साथ जो चित्र संपादक के द्वारा छापा गया है उसमें माता काली नग्न पड़े हुए भूत भवन शंकर के ऊपर पैर रखे हैं, जो कि घोर आपत्तिजनक है, हिंदुओं के लिए अपमानजनक है, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मैंने प्रयास किया है और आज कानपुर की कोतवाली में इस पत्रिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है, मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। प्रशासन से यह मांग है कि मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई इस पत्रिका के खिलाफ की जाए। मैं देश के सेंसर बोर्ड जो पत्रिकाएं छापने वाले ऐसे संस्थान हैं जो उनके ऊपर नजर रखते हैं उनसे भी यह मांग करूंगा कि इस पत्रिका की पूरी जांच की जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भगवान शंकर व मां पार्वती की आपत्तिजनक पोस्टर छापने को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में द वीक मैगजीन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर FIR दर्ज करा दी गई। FIR भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई। इस मैगजीन में मां काली व भगवान शंकर को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। इससे पहले भी तमिलनाडु की एक डायरेक्टर ने मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था। इस मैगजीन के लेखक ने बताया है कि मैंने सिर्फ ये लेख लिखा है लेकिन फोटो को कोई जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसा नहीं डाला गया। चौबीस जुलाई 2022 के इस अंक में इस तरह की स्टोरी को दर्शाया गया है। जी हाँ, यदि यही एक दूसरे मजहब के विरोध के बारे में दिखाया गया होता तो सोचिए आप कि अब तक कितनों के सर धड़ से अलग हो चुके होते। दोस्तों वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।